सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को मैं प्रकाश पिनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कजाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो कुछ कमेंट्स भी थे, कॉल्स भी थे और एक क्वेरी थी उनकी, सभी की मेन कंसर्न था कि यदि वो यूएसएमएलई का एग्ज़ाम देना चाहें फ्यूचर में तो क्या है कजाकिस्तान की मेडिकल इंस्टीट्यूशन से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो क्या वो एग्ज़ाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बहुत पहले भी कुछ वीडियोस में बोला कि कजाकिस्तान की जो लोकल स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5+2 ईयर्स है। यदि आप 5+2 ईयर्स की स्टडी करते हैं तो आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री देते हैं, लेकिन जो 5 ईयर्स की डिग्री है वो आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री आपको दी जाती है। बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री सिर्फ इंडिया में वैलिड है या कुछ जो एशिया रीजन में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ वैलिड है, इसके अलावा यदि आप यूएसएमएलई लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री चाहिए और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री टोटल 7 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलती है। जितने भी स्टूडेंट्स पुराने गए हुए हैं वो इंडिया आके जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यूएसएमएलई वगैरह के लिए वो एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं। और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन चारों कंट्री को हम आपको ECFMG की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाते हैं कि कजाकिस्तान की वेबसाइट में भी सेम ही उनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यदि हम 2023 में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो फिजिशियन या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन जनरल मेडिसिन की डिग्री उनको चाहिए। यदि आप इसके अलावा ताजिकिस्तान का सर्च करते हैं तो भी आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन जनरल मेडिसिन की डिग्री चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और यदि आप किर्गिस्तान में कहीं एडमिशन आपने लिया है तब भी आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जनरल मेडिसिन और फिजिशियन मेडिसिन की डिग्री आपको चाहिए। और आप उज्बेकिस्तान जाते हैं तब भी आपको यही डिग्री चाहिए, क्योंकि इन चारों कंट्रीज़ में जो एजुकेशन का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, लाइसेंसिंग भी सेम है, ये कंट्रीज़ पुराना CAS का रूल फॉलो करती हुई आ रही है। जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि लोकल स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती है ये वाली जिसमें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ आता है, वेर एज़ वो स्टूडेंट्स जो इंडिया से हैं 5 ईयर्स पढ़ते हैं वहाँ 2 ईयर्स की इंटर्नशिप नहीं करते हैं उनको बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ हेल्थ केयर की डिग्री अवार्ड की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कुछ स्टूडेंट्स का कि हमें यूनिवर्सिटी ने अभी बताया है, तो मैं आप सभी को ये अपडेट करना चाहूँगा कि वो ट्रेंड काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहा है। जैसे कि आप सभी को अंदाज़ा होगा कि कजाकिस्तान में जो भी मैक्सिमम कंसल्टेंट्स हैं वो वही हैं जो वहाँ से ग्रेजुएट हैं, वो या तो जनरल प्रैक्टिस में नहीं हैं और कुछ ने स्टडीज़ बीच में छोड़ी हुई है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप हमें अपनी डिग्री दिखा दीजिए, यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो उसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये डिग्रीज पिछले काफ़ी टाइम से एज इट इज़ जब से 5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन CIS कंट्रीज़ में शुरू हुआ आपको यही डिग्री अवार्ड की जा रही है। इसके अलावा यदि आप किसी भी कंट्री में और यूएसएमएलई वगैरह की या प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको +2 ईयर्स की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री मिलेगी और उसी से आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके के कोई और कन्फ्यूजन्स हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को कुछ और भी क्वेरीज रहें तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें ताकि हमारे आंसर को और आपके क्वेश्चन को काफ़ी लोग देख लें, हो सकता है उनकी क्वेरी भी सेम हो। और जो स्टूडेंट अभी नए जाएंगे उनको भी 5+2 ईयर का ही कोर्स ड्यूरेशन करना है जो अभी तक हमें पता है। आपको कंसल्टेंट ये बोल रहे होंगे 5+1 ईयर है, आप चले जाइए, मिनिस्ट्री से बात हो गई है, मिनिस्ट्री जल्दी मेमो निकालने वाली है, ये निकालने वाली है, वो निकालने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको बोल सकते हैं। ये आपका डिसीजन है कि निकालने वाली चीज़ या आने वाली चीज़ पे आप ट्रस्ट करते हैं या जो मौजूदा में है आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। यदि आप 7 ईयर्स के लिए प्रिपेयर हैं मेंटली, आपका बजट है, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप उनकी 6 ईयर्स की बात सुन के एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप 6 ईयर के लिए प्रिपेयर हैं और फिर आपको 7th ईयर में आपके फाइनेंशियल बर्डन आती है, एक अकेडमिक ईयर की बर्डन आती है और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अपने विचार को एक बार फिर से सोच सकते हैं कि आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।